स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर नेक्स्ट करना है यहाँ पर स्किप का ऑप्शन, इसको स्किप कर लेते हैं। उसके बाद ये मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एफ आर पी बाईपास हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं सही दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर स्किप कर लेते हैं, नेक्स्ट स्किप यूज़ ना, जैसे यूज़ ना पे क्लिक करोगे तब देखोगे कि यहाँ पे सेटअप नॉट साइन इन इस टाइप का एरर आएगा आपके सामने। आपको इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल और स्टेप तरीके, सिंपल और बेहतरीन तरीका, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी बिना किसी ऐप के यूज़ विदाउट पीसी आप कर सकते हो घर बैठे बिना टेंशन के। आपको क्या करना है, सिंपल बैक जाना है, ओके, सेटअप पे क्लिक करना है, फिर स्टार्ट पे आ जाओगे। जैसे आप क्लिक करोगे इस पर तो स्टार्ट पे आ जाओगे। क्या करना है आपको, सेटअप योर फोन, नेक्स्ट नेक्स्ट, सिंपल क्या है इसके अंदर वाईफाई आ रहे हैं तो इन वाईफाई वहाँ से अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है, जैसे मैं अभी करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा वाईफाई आ जाएगा और उसके बाद मैं उसको कनेक्ट करूँगा। आ गया, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, जो पासवर्ड है हम कैंसिल कर लेते हैं। तो हमने पासवर्ड डाल दिया, कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो आपका वाईफाई आ गया आपका। क्या करना है, सिंपल बैग जाना है। अब उसके बाद करना है आपको क्या, तो इसको अभी हमें वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो उसमें सीधा होगा पता था, जैसे आपको वेरीफाई कर रहा था। हमें क्या करना है, सिंपल स्किप करना है, कनेक्ट करना है, सब क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऐड फिंगरप्रिंट या फिर ऐड फेस। तो मैं फिंगरप्रिंट ऐड करता हूँ, सॉरी। तब ये कहेगा आपको चार डिजिट या पैटर्न। हमारे पास पहले जो था पैटर्न था, तो हम पैटर्न ही डाल लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें इजीली याद रहे। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से हमने एन बना दिया। यहाँ पे आपको सिंपल जो आपको डालना है वो डाल सकते हो। हमें डाल लिया, यहाँ पे करते हैं डन। अभी आपसे फोन करने के लिए कहेगा, तो हमें क्या करना है, सिंपल फ़ोन उठाना है और यहाँ पर फिंगर पे क्लिक करना है। ये देखो इस तरीके से आपको फिंगर लगाना है ताकि असर बीच में अगर रुकता है तो आप दोबारा फिंगर लगाओगे सेट हो जाएगा। नीचे आ रहा होती तो अपनी उसमें आपको ओके कर लेना है। करने के बाद आप क्या करना है, सिंपल फिंगर हमारा इनपुट कंप्लीटेड बता रहा है, ठीक है। तब आप बैक करोगे, बैक करना है, फिर बैक। अब यहाँ से आपको क्या करना, पहले स्किप किया था ना आपने, आपको नेक्स्ट कर देना है, फिर डोंट कॉपी पे क्लिक करना है, बाद वेट कर लेंगे। अब ये देख सकते हो आप स्क्रीन लॉक मांग रहा है, तो आपको स्क्रीन लॉक क्या करना है, जो आपने डाला था ना वही आपको डाल देना है। आपने डाल दिया, जैसे हमने डाला था एन बनाया था, एन डाल दिया है। अब ये इजीली वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हो आपको नीचे स्किप का ऑप्शन आ रहा है, आप स्किप करोगे इसे और ये स्किप एनी वर क्लिक कर देना है आपको। सिंपल स्किप द सेटअप, नेक्स्ट, फिर यहाँ पर स्किप, फिर यूज नाउ पर क्लिक करोगे। सिंपल तरीका है, बस आप वीडियो को पूरी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, बिना किसी टेंशन के आप इजीली यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से अपने फ़ोन का आप वीवो का एफ आर पी बाईपास कर सकते हो। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड दिखा देता हूँ, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है और मॉडल नंबर कौन सा है। अबाउट फ़ोन में जाके मैं दिखाता हूँ आपको, 18-14 है वीवो का, एंड्रॉयड है 8.1 वर्जन, ठीक है। इस वर्जन के सभी फ़ोनों को आप इस तरीके से ईजिली एफ आर पी बाईपास कर सकते हो और बिना किसी ऐप का और बिना कंप्यूटर का, आप इसलिए इसको
अनलॉक कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कोई वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, कमेंट करके बताइए कोई वीडियो कैसी लगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए और सपोर्ट कीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।